How are you? I hope you are all fit at your home. I'm Shivani D'Souza, AVS teacher. Today we will do the experiment number 2, to study about energy giving food, body building foods and protective food. Energy giving food क्या होता है? जो हमें energy देता है, ताकत देता है, जिसको खाने से हमें ताकत मिलती है और हम work को करते हैं अपने काम को. एंड द बॉडी बिल्डिंग फूड जो हमारी बॉडी को बिल्टअप करता है, हमारी ग्रोथ में, हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है. प्रोटेक्टिव फूड, प्रोटेक्टिव मतलब प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन किस से प्रोटेक्शन? डिजीजेस से प्रोटेक्शन, जो हमें बीमारियों से बचाता है. सो दैट द मेथड इज फूड इज मेनली डिवाइडेड इंटू 3 टाइप्स. फूड को जो है वो 3 टाइप्स में बांटा गया है. फर्स्ट वन इज बॉडी बिल्डिंग फूड, एनर्जी गिविंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड. सो फर्स्ट वन इज बॉडी बिल्डिंग फूड. बॉडी इट हेल्प अस टू ग्रो, जो हमारी बॉडी को ग्रोथ करने में हेल्प करता है. जब आप अब आपकी हाइट बढ़ रही है, नाउ यू आर ग्रोइंग अप चिल्ड्रन, अब आपको बॉडी बिल्डिंग फूड की बहुत ज़्यादा जरूरत है. इसीलिए ड्रिंक मिल्क 2 टाइम्स मिल्क. तो इसकी एग्जांपल्स क्या है बॉडी बिल्डिंग की? मिल्क, एग, मीट, फिश, आल्सो पल्सेस. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एनर्जी गिविंग फूड. हियर आई शो यू अ पल्सेस. आई हैव अ चना, मेरे पास चना है. तो ये किसके अंदर आता है? ये बॉडी बिल्डिंग फूड के अंदर आता है. सो नेक्स्ट वन इज एनर्जी गिविंग फूड, जिसको खाने से हमें ताकत मिलती है. इट गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. हमें ये खेलने के लिए, काम करने के लिए हमें एनर्जी गिविंग फूड जो है वो ताकत देता है. जैसे हम चपाती खाते हैं, हम चपाती 3 टाइम खाते हैं. क्यों खाते हैं? क्योंकि हमें भूख लगती है. भूख लगती है और हमें काम, हमसे काम नहीं होता तो हम कहते हैं कि हम चपाती खा रहे, हमें भूख लग रही है. तो हम खाना खाते हैं तो हमारे अंदर क्या आ जाती है? एनर्जी आ जाती है. दैट इज वाई इट गिव अस एनर्जी फॉर वर्क एंड प्ले. इसकी एग्जाम्पल्स क्या है? शुगर, जैम, हनी. हियर आई शो यू अ हनी. दिस इज हनी, शहद जिसको बोलते हैं. दिस इज एनर्जी गिविंग फूड. चपाती इज ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड. राइस खाते हो, आपको राइस भी बड़े पसंद है, चपाती बड़ी अच्छी लगती है, वो भी एनर्जी गिविंग फूड ही है. और नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिव फूड, जो हमें बीमारियों से बचाते हैं. इट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम मैनी डिजीजेस, जो हमारी बॉडी को बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं. लाइक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, जो हम फ्रूट और सलाद खाते हैं. हियर आई शो यू अ बनाना. दिस इज फ्रूट, मेरे पास फ्रूट है, ये बनाना है. दिस इज प्रोटेक्टिव फूड. वैसे जो बनाना होता है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट. ये कंप्लीट फूड है, इसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड के, इसीलिए हमें बनाना जरूर खाना चाहिए. सो वेल स्टूडेंट्स, आपने इस प्रैक्टिकल को अच्छी तरह बनाना भी है. आई शो यू अ डायग्राम्स ऑल्सो. फर्स्ट डायग्राम शोज द बॉडी बिल्डिंग फूड. मैंने यहाँ बॉडी बिल्डिंग फूड ड्रा किया है. एग्स हो गए, मिल्क हो गया, फिश हो गई एंड पल्सेस. मैंने आपको पल्सेस दिखाई भी थी, है ना? तो एग, मिल्क, फिश एंड पल्सेस, दीज आर ऑल इंक्लूड इन द बॉडी बिल्डिंग फूड. एंड नेक्स्ट वन इज एनर्जी गिविंग फूड. एनर्जी किससे मिलती है? बटर से, मक्खन से, ब्रेड से और जैम वगैरह से, और चपाती हो गया, और हनी मैंने दिखाई दी आपको, हनी से. आप कोई भी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो इसमें. तो नेक्स्ट वन इज प्रोटेक्टिव फूड, जो हमें बीमारियों से बचाते हैं. सो कौन सा कौन बचाते हैं हमें बीमारियों से? वेजिटेबल्स, सारी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. ज़्यादातर हमें ग्रीन वेजिटेबल्स खाने चाहिए, जो हमारी बीमारियों से बचाते हैं. और फ्रूट्स भी हमें खाने चाहिए बहुत हार्ड, बिकॉज फ्रूट्स कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मैनी डिजीजेस. वेल स्टूडेंट्स, आपने इस प्रैक्टिकल को प्रैक्टिकल नोटबुक पे लिखना है और लर्न करना है.